पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैं ऐसे फिल्म के पहले थोड़ा क्रैक हो जाता हूँ, तो फिल्म यूं भी थोड़ी क्रैक है, टेढ़ी है अपने में. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इट्स अ फैमिली फिल्म, रोम कॉम है, सो आई थिंक इट्स फेस्टिव सीजन, पीपल शुड यू नो लाइक इट. आज रिपोर्ट्स भी थोड़ी अच्छी आई हैं, सो लुकिंग फॉरवर्ड है, लेट्स सी. आई थिंक आजकल ये जो फिल्में आ रही है, इंडिपेंडेंट फिल्में, और भले उनमें बड़े स्टार्स नहीं हो, बट कंटेंट ड्रिवन फिल्में बहुत, दे आर डूइंग वेरी वेल. सो आई थिंक दिस, देर नो रीज़न वाई अ फिल्म लाइक दिस शुडंट डू वेल, बिकॉज ऑडियंसेज आर कमिंग, दे आर वॉचिंग एवरीथिंग, एंड इफ दे लाइक द कॉन्टेंट ऑफ द मूवी, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. आई एम बोथ वेरी एक्साइटेड एंड वेरी नर्वस. You know, I think in every movie a lot of work goes into it, you know, full team is there to make this movie happen, and just the same, I mean, all our hearts have been put into this movie and I just hope people enjoy the film. Bahut zyada nervousness hai, bahut zyada hope hai ki sabko pasand aaye. Actually jab choti budget ki film hoti hai aur bahut bade stars nahi hote hain film mein, to jo nervousness hoti hai wo dugni ho jati hai, par mehnat to sabhi karte hain and हमने भी किया है. एंड मेरी इनफैक्ट ये पहली प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है जिसमें एक मेरा प्रॉपर रोल है. सो बस उम्मीद करते हैं कि लोगों को काम पसंद आए और आगे जाके भी और अच्छा काम करने को मिले.